कर्नाटक में गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग तेज होती जा रही है और अब राज्य के मंत्रियों ने भी इस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। चीनी और कपड़ा मंत्री शंकर पाटिल मुनेन कोपा ने गन्ना किसानों को आश्वासन दिया है कि वे 2022-23 सीजन के लिए गन्ने के उचित प्रारंभिक मूल्य यानी FRP को बढ़ाने पर निर्णय लेने का जल्द ही मुख्यमंत्री बसवराज बोमई के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने रैत संघ के सदस्यों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं को कहा कि किसान 5500 रुपए प्रति टन गन्ने की FRP की मांग कर रहे हैं। किसानों पर कटाई और परिवहन का बोझ न पड़े इसका भी ध्यान रखा जाएगा। चीनी मिलों द्वारा कटाई और परिवहन शुल्क और गन्ने की तोल को लेकर किसानों का शोषण करने की शिकायतों पर मंत्री मुनेन कोपा ने कहा है कि वह इन मुद्दों को हल करने के लिए जल्द ही गन्ना नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरकारी और निजी चीनी मिलों ने किसानों का 99.9% बकाया चुका दिया है और 19,634 करोड़ रुपए में से केवल 11 करोड़ रुपए ही लंबित हैं। रैत संघ के नेता क्रूरबू शांता कुमार ने कहा है कि उन्होंने सरकार को उनके मुद्दों को हल करने के लिए 20 अक्टूबर की समय सीमा तय की है। उन्होंने कहा है कि नहीं तो हम अपने संघर्ष को फिर से बैठक में लगभग 150 रैत संघ और मांड्या की सुंदर जयराम और सुनीता पुटनिया और साउथ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुषमा सहित किसान नेताओं ने भाग लिया। फिलहाल किसान कर्नाटक में गन्ने का FRP बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और जल्द ही सरकार इस पर भी कोई निर्णय ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।